हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्विटर पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, यानी ट्विटर पे अकाउंट कैसे बनाते हैं और ट्विटर का यूज कैसे करते हैं, ट्वीट करना, किसी को फॉलो करना और उसको सर्च करना, ये सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में जानेंगे कम्प्लीटली। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप वीडियो को स्किप ना करें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप वीडियो को देखें, जिससे आपको कोई भी आपका पॉइंट छूटेगा नहीं और आप कम्प्लीटली पूरी प्रोसेस को समझ पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल्स पे जाके और इस तरह के टेक्निकल वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए रिंकू कुमार शर्मा। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करते ही मेरा चैनल ओपन होगा। चैनल ओपन होने के बाद में आप वीडियो सेक्शंस में जाके वीडियो को फाइंड करके देख सकते हैं, जो भी आपको नीड हो जिस वीडियो की वो आप देख सकते हैं। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो बनाना देखना है तो पर्टिकुलर, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे नेटवर्किंग से रिलेटेड है, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड काफ़ी है और एमएस वर्ड वगैरह, एक्सेल वगैरह, इनसे भी रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। आगे की सारी जानकारी हम ट्विटर अकाउंट कैसे हैंडल करते हैं और कैसे हम चलाते हैं, इसके बारे में मैं आपको अपने सिस्टम पे लेके चलता हूँ और अपने सिस्टम पे आगे के सारे प्रोसेस। ट्विटर पे अकाउंट बनाने के लिए आप एक कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज योर चॉइस, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। यहाँ पर ओपन करने के बाद में आप एड्रेस बार, ये वाली जो एड्रेस बार है, इसमें आप एक URL टाइप करेंगे www.twitter.com, ठीक है, यहाँ पे, और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपका पेज ट्विटर का ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक लॉगिन के लिए आएगा, एक साइनअप। लॉगिन ऑलरेडी अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ बनाना चाहते हैं तो हम लोग साइनअप पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग साइनअप पर क्लिक करेंगे हमारे पास में एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा और उन्हें हमें फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको नेम पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर अपना नेम फिल कीजिएगा। आपका नेम जो हो 50 कैरेक्टर्स से बिलो होना चाहिए, 50 कैरेक्टर से अबव नहीं होना चाहिए, उसको 50 कैरेक्टर से अबव को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद आप अगर अपने फ़ोन नंबर से बनाना चाहते हैं ट्विटर अकाउंट, तो अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद एक OTP आएगा, उसे आप वेरीफाई करवा दीजिएगा। अगर आप फ़ोन नंबर से नहीं चाहते, आप अपनी ईमेल ID से बनाना चाहते हैं, तो आप यूज नीचे वाला ऑप्शन यूज करेंगे, यूज ईमेल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ अकाउंट बनाने के लिए, जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन फिल कर दें उसके बाद में यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन आता है, आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में सेम इन्फॉर्मेशन आपके पास ये शेयर होगी सेकेंड स्टेप में, फिर आप नीचे एक ऑप्शन आएगा साइनअप, तो आप साइनअप पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप साइनअप पे क्लिक करेंगे आपकी जो ईमेल आईडी आपने डाला उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आप अपनी ईमेल आईडी ओपन कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी अपनी ईमेल आईडी ओपन कर रखी है, वहाँ से हम लोग ये वेरिफिकेशन कोड देखते हैं, राइट। तो हम इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी तक कोड हमें मिला नहीं है। अभी तक हम देख पा रहे हैं मेल हमें रिसीव नहीं हुआ है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि जो हमने ईमेल आईडी डाली वो सही है या नहीं है। ईमेल आईडी आपकी राइट है, तो यहाँ पे आप दोबारा चेक करते हैं एक बार रिफ्रेश करके, अभी भी हमें कोई ईमेल नहीं मिला है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सोशल वाले पे एक बार और चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पर हमें मिला हो कोई, तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कोई मेल नहीं मिला। तो हम नीचे जाएंगे ऑप्शंस पे, एक ऑप्शन आ रहा है डिड नॉट रिसीव ईमेल, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा डिड नॉट रिसीव ईमेल, ठीक है। एंड इसके बाद ये पूछेगा आपको रिसेंड करना है या फ़ोन पे आपको OTP मंगाना है, तो आप रिसेंड ईमेल भी कर दीजिएगा। एक बार दोबारा हम रिसेंड करते हैं दोबारा से,
इसके बाद अगेन देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं, अभी भी हमें मेल रिसीव नहीं हो पा रहा है। तो एक बार कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो मेल है स्पैम में फोल्डर में भी चले जाता है, तो हम लोग वहाँ से चेक कर लेते हैं स्पैम में एक बार। देखिए स्पैम में मैं चेक कर पा रहा हूँ, तो मुझे ये यहाँ पे कोड आ गया है। तो कभी अब इनबॉक्स में नहीं आया आपके वेरिफिकेशन कोड, तो आप स्पैम फोल्डर में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो स्पैम में अपन ने चेक किया, तो यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन कोड अपने को दिखा रहा है मेल पे। तो हम इस मेल को ओपन करते हैं, टू वेरिफिकेशन कोड आया है, जो लास्ट में आया है वो हमें डालना है। तो 313 ये जो कोड आया है, मैं इसको या तो कॉपी कर लीजिए आप, या डायरेक्टली आप एंटर कर दीजिएगा 313 131 सॉरी। उसके बाद में 672, आप 672 वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आपको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में आपको बता रहा है कि जो मिनिमम आपके 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और 6 कैरेक्टर्स से मोर ही होने चाहिए, यानी 6 कैरेक्टर्स से डाउन नहीं होने चाहिए। तो हम कोई भी एक इसको पासवर्ड दे देते हैं जो 6 कैरेक्टर्स से अबव हो। ओके, पासवर्ड देने के बाद आप इसे नेक्स्ट कर दें, जो भी पासवर्ड आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे ये पिक्चर, परफेक्ट पिक्चर मांगेगा। तो आप आपकी प्रोफाइल पिक सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आपकी जो भी प्रोफाइल पिक आपको अच्छी लगती है, दैट यहाँ से अपने सिस्टम से उस प्रोफाइल पिक को आप उठा लीजिएगा और इसे यहाँ पे प्रोफाइल पिक में लगा दीजिएगा। जैसे मैंने अभी ये पिक लगाई है जस्ट, ओके आप इसे नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ से आपका बायोडाटा मांगेगा, तो आप अपने बारे में जो भी लिखना हो आप 160 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिख दीजिए। अगर अभी नहीं लिखना चाहते हैं तो आप स्किप नाउ कर दीजिएगा एंड दैट। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट आपके अपलोड करने के लिए बोलेगा, अगर नहीं चाहते हैं तो आप तो नोट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। ये बाद में भी हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। आपका किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप चेक लगा सकते हैं, जैसे जो भी आपको चाहिए। जैसे मुझे क्रिकेट एंड कॉमेंट्रीज में है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। लीग एंड टीम्स में है, स्पॉट टीवी है, हिंदी म्यूजिक्स, जिस चीज़ पे आपको लगाना है आप चेक लगा दीजिएगा यहाँ पे और इसे नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आप फॉलोअर्स, यानी किस किस को फॉलो करना चाहते हैं, जिन जिनको फॉलो करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इसको फॉलो कर सकते हैं। हम लोग इसको नेक्स्ट कर देते हैं, अभी के लिए हम बाद में जाके फॉलो कर लेंगे। फिर इसके बाद में टर्न ऑन नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन को अलाउ करना चाहते हैं या नहीं उसके लिए पूछेगा, तो आप नहीं करना चाहते हैं अभी तो स्किप नाउ पे कीजिए, बाद में हम लोग इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ओके, जस्ट इस तरह से आपका ट्विटर अकाउंट बन जाएगा कम्प्लीटली। अब आप इस पर अगर कोई भी ट्वीट करना चाहते हैं तो आप ट्वीट कर सकते हैं, किसी को फॉलो करना हो तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे किसी को फॉलो करना है, आई थिंक, तो मुझे यहाँ सर्च करना होगा सबसे पहले उसको जिसको मुझे फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं सर्च करता हूँ अपना ही नेम, जो मेरा अकाउंट है, ओके, रिंकू कुमार शर्मा, दैट इज मैंने सर्च किया, तो सर्च किया तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है ये वाला जो मेरा अकाउंट है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। और प्रोफाइल ओपन होने के बाद में यहाँ पे देखिए एक फॉलो बटन आ रहा है, और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इस तरह से हम किसी को भी फॉलो कर सकते हैं और अपने फ्रेंड लिस्ट में जोड़ सकते हैं, यानी फॉलोअर्स में अपने जोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सेम प्रोसेस, आप लोग चाहें तो जैसे आपको कोई ट्वीट करना हो या कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं इजी वे में, वो चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूँ कि अगर आप बाय कीबोर्ड शॉर्टकट की से भी अगर ऑपरेट करना चाहते हैं ट्विटर को तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क जो होता है वो प्रेस करना होगा। तो शिफ्ट की दबाएंगे और क्वेश्चन मार्क को प्रेस करेंगे, जैसे कि प्रेस करेंगे हमारे सामने कीबोर्ड शॉर्टकट्स की सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी। इन कीबोर्ड शॉर्टकट की लिस्ट में से हमें जो भी हमें करना होता है उस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, जिससे हम डायरेक्टली उस पर पहुँच जाएंगे बिना माउस की सहायता से। माउस से तो सभी कर सकते हैं, बट कीबोर्ड से शॉर्टकट के आपको जल्दी काम करना है तो आप इन शॉर्टकट की इसका यूज कर सकते हैं। आप जैसे देखिए होम के लिए जी और एच लिखा हुआ है, तो मुझे होम में जाना है, तो ऑलरेडी मैं होम में तो ये हूँ ही, ठीक है। मोमेंट में जाना है तो यहाँ पे देखेंगे आप, मोमेंट के लिए एम होगा,
तो जी एम, जैसे मैं जी एम प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए मैं मैसेज डायरेक्टली मैसेज के लिए पहुँच गया हूँ। और ये शॉर्टकट की आप देखना चाहो तो इधर से भी आप देख सकते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट की में जाके प्रोफाइल में जाना और कीबोर्ड शॉर्टकट की पे क्लिक करना, यहाँ से भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप अगर पेज को डाउन करना चाहते हैं तो पेज डाउन के लिए स्पेस की यूज़ करेंगे। और ट्वीट देखना चाहते हैं अभी का तो जे प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जितने भी ऑप्शंस हैं। मोमेंट के लिए ओ प्रेस करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन के लिए एन प्रेस करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रेस करते हैं, मैं जी एन प्रेस करता हूँ। अब देखते हैं हम लोग डायरेक्टली नोटिफिकेशन पे पहुँच जाएंगे। देखिए अभी नोटिफिकेशन जितने भी हैं मेरे ऑन हो गए हैं। और इसी तरह मैं नेक्स्ट मोमेंट के लिए जाता हूँ तो जी ओ प्रेस करता हूँ। तो जी ओ प्रेस करने के बाद मैं मोमेंट पे पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे जैसा कि शो कर रहा है कि जो करंट में मोमेंट होंगे टॉप में, जो भी न्यूज़ होंगी टू डेज़ के, वो सारे मोमेंट्स यहाँ पे शो करेंगे। अगर डायरेक्टली मुझे किसी को मैसेज करना है तो उसके लिए मुझे जी एम प्रेस करना पड़ेगा शॉर्टकट की। यहाँ से देखिए जिस भी पर्सन को आप मैसेज करना चाहते हैं वहाँ न्यू कीजिए, उसका नाम सर्च कीजिएगा जिसको भी आपको करना है ट्विटर पे। जैसे मैंने आई थिंक मैं ये करना चाहता हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अदर पर्सन जिसको भी और को करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप उसको मैसेज टाइप कीजिए, जी एफ करना चाहते हैं, जी आई एफ करना चाहते हैं, या कोई पिक्चर सेंड करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप सेंड करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और टेक्स्ट मैसेज अगर कोई भेजना चाहते हैं तो आप नीचे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। इमोजी और स्माइली लगाना हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इमोजी एंड स्माइल कर सकते हैं। और लास्ट में आप ऑप्शन में सेंड कर देना है, सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ये डायरेक्टली उस पर्सन को पर्टिकुलर एक मेल मैसेज चले जाएगा। इसके बाद में ट्वीट कैसे करते हैं और ट्वीट को रीड कैसे करते हैं, तो देखिए जो भी आपका होम पेज होगा उस पर जितने भी ट्वीट्स होंगे और आपके जितने भी फॉलोअर्स होंगे जिन्हें ट्वीट किया होगा उनको आप होम पेज पर जाके देख सकते हैं सबके ट्वीट्स। ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों ने भी ट्वीट किया है वो हमें शो हो रहा है। ओके, इसके बाद में हम लोग करते हैं ट्वीट कैसे करेंगे। अगर हम भी ट्वीट करना चाहते हैं तो हम ट्वीट कैसे करेंगे, ठीक है, न्यू ट्वीट करना हो तो न्यू ट्वीट करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पे ट्वीट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ट्वीट लिखा रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर बाय शॉर्टकट की अगर यूज करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की ओपन कीजिए और उसमें से देख लीजिएगा कि ट्वीट के लिए कौन सी आपके पास में शॉर्टकट की यूज होती है। तो आपके लिए जो देख रहे हैं हम लोग, न्यू ट्वीट करना हो तो एन प्रेस करना होगा हम लोगों को, राइट। तो हम लोग यहाँ से एन प्रेस करते हैं। जैसे हम लोग एन प्रेस करेंगे न्यू ट्वीट के लिए एक बॉक्स ओपन हो गया हमारे पास में। अब इसमें जो भी हमें लिखना है वो हम ट्वीट करना जो भी चाहते हैं वो हम ट्वीट कर देते हैं। जैसे मैं एक ट्वीट करना चाहता हूँ, हाउ टू पिंटरेस्ट शेयरिंग। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे जो मैंने अभी अपलोड किया है कुछ टाइम पहले ही, उसके लिए मैं ट्वीट करना चाहता हूँ इन नेटवर्क। ओके, यहाँ पे मैंने डाल दिया जो भी टॉपिक है। अब मुझे उसका लिंक डालना है तो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, उसका लिंक ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं लिंक उसका ले लेता हूँ सर्च करके। जैसे ये वीडियो जो है मुझे इसका लिंक चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद में जस्ट मैं यहाँ शेयर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो शेयर ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखिए कॉपी, इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से भी डायरेक्टली मैं ट्वीट कर सकता हूँ इसको, बट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद में मैं कोई फ़ोटो भी लगाना चाहता हूँ इसके साथ में, तो यहाँ पे पिक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं पिक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे ओपन कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखिए दोनों काम हो गए। इसके बाद में हम लोग ट्वीट पे क्लिक कर देते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे ट्वीट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं ट्वीट पे क्लिक करूँगा, सेंडिंग योर ट्वीट वॉज सेंड, तो जो मैंने ट्वीट किया अब वो मुझे शो होने लग जाएगा मेरी प्रोफाइल पे, राइट। तो हम लोग अभी इसको स्किप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इस वीडियोज को पॉज कर देता हूँ मैं इसको। तो अब देखिए जो ट्वीट मैंने अभी किया
यहाँ पे मुझे शो कर रहा है ये वाला ट्वीट। ओके, इसी तरह अगर आपको प्रोफाइल में देखना हो, अपना प्रोफाइल देखना हो, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दीजिए अपने नेम पे, तो आपकी प्रोफाइल शो हो जाएगी, आपके ट्वीट्स शो हो जाएंगे, फॉलोअर्स जो भी फॉलोइंग किए हैं वो भी शो होगा, आपके जो भी फॉलोअर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी चेंज और करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में जाके आप जो भी चेंजेज करना चाहते हैं सारे चेंजेज आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में नीचे की तरफ आप प्रमोट करना चाहते हैं अपने एड्स वगैरह, तो आप ट्विटर और प्रमोट मोड को दोनों को सिलेक्ट करके इसमें से चूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप इसका डार्क मोड में इसको भेजना चाहते हैं ट्विटर को, तो आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते देखिए मेरा डार्क मोड पे आ गया। इस तरह का अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और लास्ट में फाइनली हम लोग सारी इन ऑप्शंस के बारे में मैंने लगभग आपको बता ही दिया। बाकी और अगर कोई इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो आप लोगों को या कुछ क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो उस पर मैं बनाऊँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और लास्ट में बता देता हूँ कि अपने अकाउंट को बंद कैसे करें या लॉग आउट कैसे करें। तो अपनी प्रोफाइल पिक पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखा आएगा लॉग आउट, जो भी आपका नेम होगा यूजर नेम उस पर क्लिक कर दीजिएगा और उसे क्लोज कर दीजिएगा अपने अकाउंट को। इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू।